हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइक वंदना 2000। हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आम का अचार बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पहले सब सारी चीज़ों को भूनूंगी। भून करके उसको पीसना है, मतलब एक मसाला तैयार करना है जो कि आम के अचार में बहुत ही खास, मतलब बहुत ही उसी से उसका टेस्ट और स्वाद बनता है। तो मैंने मतलब सरसों भून लिया है, अब दूसरी बारी मैंने पचफोरन भूजा है। इसमें पचफोरन में सौंफ रहता है, मंगरेल रहता है और मेथी है और छोटा वाला राई है, मतलब पांच चीज़ों से मिलके बना होता है ये पचफोरन। तो इस जीरा भी डला है, मतलब बहुत थोड़े से और भी ज़्यादा सामान डाले होंगे, लेकिन इससे ही अचार का टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने सबसे पहले सरसों भून के रख लिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पचफोरन भून रही हूँ। यहाँ पे मैं मतलब गरम मसाला भी भून रही हूँ, थोड़ा सा इसको गरम करेंगे ताकि ये अच्छे से मतलब पीसा जाए। सारा कुछ मिक्सी में पीसना है। तो मैं तेज़पत्ता, सारे खड़े मसाले ली हूँ। तो इसके साथ ही हम लोग आज बनाएंगे मतलब अमहर बनाएंगे, उसकी रेसिपी अभी इसके बाद आएगी। तब तक के लिए भी मैं मतलब अचार के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं आम उम काट के छत पे डाल दी हूँ धूप में सूखने के लिए। थोड़ा बारिश का मौसम है इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई वीडियो में आम काटते समय और उसको डालते टाइम। तो मैं डायरेक्ट मसाले पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं धनिया भून रही हूँ। मैं सारी चीज़ों को हल्का दरदरा सा पीसूँगी, मतलब एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखना है, जिससे आम का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो फाइनली यहाँ पे सारा कुछ हमने भून लिया है, सबको रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। ये लास्ट में मैं धनिया भून रही थी। तो यहाँ पर देखिए गरम मसाला ठंडा हो गया है, तो मैं इसको पहले गरम मसाला को पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से मतलब पीसा जाता है ये मिक्सी में। फाइनली फ्रेंड, मैंने सारा कुछ पीस करके रख दिया था। तो मेरी मम्मी, मैं चली गई हाथ धुलने, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह लग गए थे। तो मम्मी ने यहाँ पे सारा कुछ मिक्स कर दिया। मैं इसी परात में निकाल के रखी थी मसाले, तो मम्मी आम डाल के मिक्स करने लगी। तो मैं आ पहुँची हूँ जब मिर्चा डाल रही थी तब। यहाँ पे नमक हल्दी सब मैंने ही डाला है, उस टाइम मैं कैमरा ऑफ की थी। तो मेरी मम्मी मतलब सासू माँ हैं, सासू माँ माँ एक ही समान होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं आम का अचार, जो कि मैं मिक्स करने वाली थी। तो बस पलटे से मिक्स करना था, बाकी सारा कुछ तो मैं सब कुछ इसमें सारा कुछ मैं ही डाली हूँ, तेल वगैरह सब कुछ। तो इसमें गरम तेल करके सरसों का ठंडा करके उसको मिक्स करिए। अचार लंबे टाइम तक सालों साल चलेंगे। और साफ़ सफाई से बनाइए, साफ़ सफाई से रखिए। इसको बनाने के बाद एक हफ्ते तक के लिए धूप में रख दीजिए, मतलब उसको सुबह में धूप में डाल दीजिए फिर हटा दीजिए, ऐसे करके, जो कि आम बहुत ही अच्छे से आम का अचार रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक का डब्बा लिया है जिसको धुल करके अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो इसी में भरेंगे, पूरा एक डब्बा बनाना है अचार, क्योंकि घर में शादी भी पड़ने वाला है तो बहुत सारे गेस्ट लोग आएंगे। सब मतलब खाने में अचार साथ में रहता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने में। अगर कुछ फीका हो गया तो उसकी कमी को दूर कर देता है अचार। तो मम्मी यहाँ पर डब्बे में भर रही हैं, बहुत ही मस्त बना है फ्रेंड अचार। अभी जो कि इसको डालेंगे धूप में, मान लीजिए दो चार दिन के लिए रख देंगे तो काफ़ी अच्छे से खिल जाएगा, मतलब अच्छे से ये खाने लायक हो जाता है। ऐसे तो कड़ा कड़ा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे ऊपर से,